हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ सैम्पलिंग। देखो, हमने इसे जो प्रीवियस वीडियोस थी उनमें हमने मीनिंग ऑफ सैंपल, मीनिंग ऑफ यूनिवर्स हमने डिस्कस किया है। उससे पहले हम उसके बाद हमने डिस्कस किया है सैंपल मेथड क्या होता है, सेंसस मेथड क्या होता है, उनकी मेरिट डिमेरिट सुटेबिलिटी हमने डिस्कस की, और उसके बाद हमने कंपेरिजन किया कि सैंपल मेथड और सेंसस मेथड को हमने कंपेयर किया कि कौन कौन कहां कहां कैसे बेटर है और कैसे फेल है, तो वो हमने डिस्कस किया। आज हम उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए फिर एक वीडियो लेके आए आपके पास, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज मेथड ऑफ सैंपलिंग। मेथड ऑफ सैंपलिंग यानी सैंपल मेथड के हमारे पास कितने वे हैं, कितने टाइप हैं जिससे हम सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। देयर आर सिक्स वे टू सेलेक्ट और टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम द यूनिवर्स। नंबर वन, रैंडम सैंपलिंग। नंबर टू, डेलिबरेट सैंपलिंग। एंड नंबर थ्री, मिक्स सैंपलिंग। एंड नंबर फोर, कोटा सैंपलिंग। नंबर फाइव, सिस्टमेटिक सैंपलिंग। एंड नंबर सिक्स, कॉन्वीनियंस सैंपलिंग। आज अपनी वीडियो में हम तीन मेथड डिस्कस करेंगे, रैंडम, डेलिबरेट और मिक्स, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बाकी के जो रिमेनिंग थ्री पार्ट हम वो डिस्कस करेंगे, प्लस रिक्वायरमेंट ऑफ ए सैंपल भी हम उसमें डिस्कस करेंगे, और फिर हमारे लेसन कंप्लीट होगा। आइए सबसे पहले हम चलते रैंडम सैंपलिंग। सबसे पहले दिमाग में रहिए कि आपको पढ़ क्या रहे, आप टॉपिक क्या आपका, सिलेक्शन ऑफ सैंपल, कि आपको यूनिवर्स के बारे में रिजल्ट फाइंड आउट करना है। यूनिवर्स मतलब जो आपके सामने जो डेटा अवेलेबल है, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उनसे हमें स्टडी करना है और उसका रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट निकालने के तरीके क्या है, तो हमने आपको तरीके बताए थे, सैंपल स्टडी कर सकते हैं, सेंसस स्टडी कर सकते हैं। सैंपल का मतलब है सिलेक्ट स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सिलेक्ट स्मॉल पार्ट फ्रॉम यूनिवर्स एंड स्टडी। और सेंसस मेथड का मतलब है सिलेक्ट ईच एंड एवरी आइटम, स्टडी ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स टू गेट रिजल्ट। तो हम सैंपल मेथड की तरफ चल रहे हैं जिसमें स्मॉल पार्ट को सिलेक्ट करना है। तो स्मॉल पार्ट कैसे सिलेक्ट किया जाए ये हम डिस्कस करेंगे आज। हमारा पहला टॉपिक है आपके पास रैंडम सैंपलिंग। कि रैंडम सैंपलिंग, रैंडम का मतलब क्या होता है, भगवान भरोसे यानी बाय लक। कि आपके पास कंप्लीट यूनिवर्स की आइटम आपके सामने है, उसमें से किसका सिलेक्शन करना है किसका नहीं करना, लेफ्ट इट बाय लक, उसको भाग्य पर छोड़ दीजिए, तो उसको बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। जैसे आपको क्लास में मॉनिटर का सिलेक्शन करना है, हु विल सेलेक्ट एज ए मॉनिटर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि रैंडम का मतलब क्या, वो मैं ये नहीं मैं सैंपलिंग आपको बता रहा हूं, रैंडम का मतलब बता रहा हूं कि क्लास में आपको मॉनिटर का सिलेक्शन करना है, रैंडम सैंपलिंग क्या कहता है, लेफ्ट इट बाय लक। इसका मतलब क्या है कि ये भाग्य पर छोड़ दीजिए किसका सिलेक्शन होगा। अब वो भाग्य पर छोड़कर हम किस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, देयर आर टू वे टू यूज टू सिलेक्ट रैंडम सैंपलिंग मेथड। द वन इज लॉटरी मेथड और लॉटरी सिस्टम, एंड सेकंड इज रैंडम नंबर। क्योंकि अब देखिए दोनों का यूज क्या है, लॉटरी सिस्टम का यूज तब होगा जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज्यादा बड़ा ना हो, ताकि हम लॉटरी बना सके सभी के नाम की। दूसरा, रैंडम नंबर तब हम यूज करेंगे जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा हो, तो हम एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग हम रैंडम नंबर का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। दोनों के मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अभी हम मॉनिटर का सिलेक्शन कर रहे थे क्योंकि एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल है, क्लास में 30-40 स्टूडेंट्स होते हैं, हमें 30-40 स्टूडेंट्स में से हमें एक व्यक्ति को सिलेक्ट करना है, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है कि भाई वो हमारी क्लास का मॉनिटर बनेगा, यानी हमें सैंपल एक निकालना है। तो पूरी क्लास में से एक सिंगल सैंपल हम कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका है रैंडम सैंपलिंग में लॉटरी मेथड। कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी की हम चिट तैयार करें, लॉटरी बनाए उसकी, और एक बाउल में डाल दें, और बाउल में डालकर उसको मिक्स कर दें, और रैंडमली किसी एक चिट को बाहर निकाल लें, तो जिसका भी उस नेम अपीयर होगा उस चिट के ऊपर, वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट उस क्लास का मॉनिटर हो गया, यानी हमने वो सैंपल का सिलेक्शन कर लिया। दिस इज अ लॉटरी सिस्टम टू सिलेक्ट सैंपल, ठीक है। कि भाई लॉटरी सिस्टम क्या कहता है, सैंपल कैसे सिलेक्ट करना है, कि यूनिवर्स जो हमारे पास है उस यूनिवर्स में जितनी भी आइटम है उन सभी की पर्ची बनाइए, उन सभी की चिट बनाइए, उनकी लॉटरी बनाइए, और फिर उसको मिक्स करके रैंडमली उसमें से
जितना आपको सैंपल चाहिए, आपको एक मॉनिटर चाहिए, दो मॉनिटर चाहिए, तीन मॉनिटर चाहिए, या आपको कोई और चीज की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको कितना सैंपल चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसमें से चिट पिकआउट कर लीजिए, और जैसे आप चिट पिकआउट कर लेंगे तो आपका सैंपल का सिलेक्शन हो गया। देखा है ना, बड़ा इजी, और इसलिए कहते हैं रैंडम सैंपलिंग इज अ इजी मेथड, इज एन इजी मेथड, ये इजी मेथड है। और देखो रैंडम सैंपलिंग की सबसे खास बात क्या है, सिलेक्शन बाय लक है, लक पर छोड़ दिया हमने, दिमाग नहीं लगाया जाता। दूसरा क्या है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, कि यूनिवर्स में जितनी भी आइटम होगी उन सभी के सिलेक्शन होने का इक्वल चांस होगा, या ऐसा नहीं कि कोई आइटम ये सोचे कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, देयर आर इक्वल चांस, भाई आपका भी हो सकता है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, ये तो लॉटरी सिस्टम हुआ स्मॉल एरिया, आइए लार्ज एरिया जहां ये नंबर बहुत ज्यादा है, हजारों में संख्या है, लाखों में संख्या है, तो फिर अब हम क्या करेंगे भाई, सभी के पर्चे बनाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट भी हो जाएगा, तो क्या करें, हम रैंडम नंबर यूज करेंगे। तो यूनिवर्स में जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी को एक रैंडम नंबर अलॉट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें हुड्डा सेक्टर के प्लॉट के अलॉटमेंट को लॉटरी सिस्टम से रैंडम सैंपलिंग के थ्रू सिलेक्ट करना है कि भाई किसको प्लॉट मिले किसको प्लॉट नहीं मिले। तो मान लीजिए 5000 जो एप्लीकेंट है उन्होंने अप्लाई किया है, तो जब अप्लाई किया तो सभी को एक रैंडम नंबर दे दिया गया, 5000 कैंडिडेट को रैंडम नंबर अलॉट कर दिया गया, उनको टेबल चार्ट पे तैयार कर लिया गया, नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर, और फिर उनको रैंडमली सिलेक्ट कर लिया गया। क्यों, क्योंकि अब नंबर्स में नहीं पता ना कि कौन व्यक्ति क्या है, किसका नंबर क्या है, तो किसी अननोन पर्सन से या जिसको ये नंबर का पता नहीं है कि कौन किसका है, उसके थ्रू हम रैंडम का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रैंडम सैंपलिंग, और ये है हमारा रैंडम। तो इसको बोलते हैं हम रैंडम नंबर्स, रैंडम सीरीज। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया रैंडम सैंपलिंग के बारे में, कि रैंडम सैंपलिंग का मेथड कौन सा है। पहला लॉटरी सिस्टम है, कि लॉटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम रैंडम का सिलेक्शन कर सकते हैं, सैंपल का सिलेक्शन कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास है रैंडम नंबर जिसके थ्रू हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा सैंपल हम सिलेक्ट करें और कौन सा ना करें। रैंडम नंबर का यूज लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन में होगा, और लॉटरी मेथड का यूज स्मॉल एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन में होगा। दोनों की मेरिट, दोनों का मतलब है रैंडम सैंपलिंग की मेरिट क्या है। सबसे पहला मेरिट है इक्वल चांस, सभी के लिए इक्वल चांस है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। दूसरा है नो पार्शियलिटी, कोई पार्शियलिटी नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं सिलेक्शन करने वाले को कि कौन क्या है, तो इसलिए नो पार्शियलिटी। नंबर थ्री इजी, बहुत इजी है, सिंपल है सिलेक्शन करना, यानी एक इनोसेंट पर्सन भी उसका सिलेक्शन कर सकता है, उसके लिए कोई खास एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी एक डिमेरिट है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिमेरिट है, क्या, कि जब सैंपल के सिलेक्शन में कोई इंपॉर्टेंट आइटम का सिलेक्ट होना जरूरी होता है, तो क्योंकि तो रैंडम सैंपलिंग है, इक्वल चांस से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लेफ्ट आउट ऑफ एन इंपॉर्टेंट आइटम फ्रॉम सिलेक्शन, कि जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो आइटम हो सकता है कि सिलेक्ट ना हो। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूं, कि हमें क्लास का मॉनिटर सिलेक्ट करना है, तो कैसा मॉनिटर होना चाहिए, जो रेगुलर हो, डिसिप्लिन हो, है ना, डिसेंट हो और फेथफुल हो, ऐसे मॉनिटर का सिलेक्शन हमें करना है। लेकिन रैंडम सैंपलिंग में तो कोई भी हो सकता है, हो सकता है कि क्लास में से जो हमने चिट निकाली है वो ऐसे स्टूडेंट की चिट निकली है जो सप्ताह में एक बार ही आता हो और मोस्ट इनडिसिप्लिन हो, झगड़ा करता हो हर एक से, तो होगी ना अनइम्पोर्टेंट आइटम्स रहे। तो ये एक डिमेरिट है रैंडम सैंपलिंग में, कि जब आप रैंडम सैंपलिंग के थ्रू सिलेक्शन करते हैं सैंपल का, तो कोई अनइम्पोर्टेंट आइटम भी सिलेक्शन में आ सकती है, तो ये इसकी डिमेरिट है। आइए इस डिमेरिट को इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, डेलिब्रेट सैंपलिंग। डेलिब्रेट का मतलब है बाय चॉइस, बाय थिंकिंग, बाय एफर्ट, कि जब इन्वेस्टिगेटर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की यूनिट की फीचर को आइडेंटिफाई करके सैंपल का सिलेक्शन करता है, तो उसको हम बोलते हैं डेलिब्रेट सैंपलिंग। जैसे क्लास इंचार्ज को पता है कि क्लास में कौन स्टूडेंट कैसा है और उसको लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट अच्छा है, राइट, तो उसको बोलेंगे डेलिब्रेट सैंपलिंग। कोई रैंडम नहीं किया, उसका डायरेक्ट सिलेक्शन हमने कर लिया कि भैया आप ठीक है, कल से मॉनिटर है, क्योंकि आप में वो सारी फीचर है,
ये वो डेलिबरेट सैम्पलिंग, इसका मतलब इन्वेस्टिगेटर के ऊपर है कि वो किसका सिलेक्शन करे और किसका ना करे, ये उसकी चॉइस पे है। इसलिए मैंने लिखा है यहां पर सिलेक्शन ऑफ सैंपल अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेटर एंड इन्वेस्टिगेटर विल सिलेक्ट सैंपल आइटम अकॉर्डिंग टू फीचर ऑफ यूनिवर्स। हालांकि हमने यहां गाइडलाइन दिया है कि यूनिवर्स की जो यूनिट्स हैं उनकी फीचर्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटर डिसाइड करेगा कि किस सैंपल का सिलेक्शन करना है और किसका नहीं करना, तो उसको हम बोलेंगे डेलिबरेट सैंपलिंग। लेकिन इसका एक नुकसान है, क्या? पार्शियलिटी, बड़ा नुकसान है पार्शियलिटी। दूसरा, पूरे यूनिवर्स के बारे में यूनिट्स को कैटेगराइज करना, उनको फीचर्स को आइडेंटिफाई करना, ये भी बड़ा डिफिकल्ट काम है। तीसरा, एक्सपर्टाइज, कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक्सपर्ट होना चाहिए तो ही वो सिलेक्शन कर पाएगा, क्योंकि सब कुछ इन्वेस्टिगेटर पे छोड़ दिया हमने, तो इन्वेस्टिगेटर एक्सपर्ट होना चाहिए। नंबर दो, जो यूनिवर्स है उसकी यूनिट्स की फीचर्स इन्वेस्टिगेटर को आइडेंटिफाई होनी चाहिए। तीसरा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी। लेकिन इसकी एक खास बात क्या है, इंपोर्टेंट आइटम जिसका सिलेक्शन रैंडम सैंपलिंग में लेफ्ट आउट हो गया था या होने की पॉसिबिलिटीज थी, वो डेलिबरेट सैंपलिंग में नहीं होगा अगर उसका ऑनेस्टी के साथ सिलेक्शन किया जाए, तो डेलिबरेट सैंपलिंग में ऐसा नहीं होगा। तो ये तो डेलिबरेट सैंपलिंग था। अब क्योंकि दोनों ही मेथड में कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें हैं, रैंडम सैंपलिंग में अच्छी बात यह है कि ये इजी है, इक्वल चांस है और पार्शियलिटी नहीं है। लेकिन इसमें एक डिमेरिट है, क्या? कि भाई इंपॉर्टेंट आइटम लेफ्ट आउट हो सकती है। डेलिबरेट सैंपलिंग की उसकी डिमेरिट इसकी मेरिट हो गई कि इसमें इंपॉर्टेंट आइटम लेफ्ट आउट नहीं होगी, लेकिन इसमें कुछ खास रिक्वायरमेंट है, क्या? कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, पहली बात। यूनिवर्स की यूनिट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। तीसरा, पार्शियलिटी हो सकती है। तो ये बातें डेलिबरेट सैंपलिंग में आ जाती है। तो अब हम दोनों में ही कुछ अच्छाइयां हैं, दोनों में ही कुछ बुराइयां हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। मैंने किया प्लस रैंडम सैंपलिंग प्लस डेलिबरेट सैंपलिंग, वी गेट मिक्स सैंपलिंग। हमने एक मिक्स सैंपलिंग निकाल लिया, क्या? कि सबसे पहले हम डेलिबरेट सैंपलिंग का यूज करेंगे, उसके बाद रैंडम सैंपलिंग के थ्रू हम सिलेक्शन करेंगे। डेलिबरेट सैंपलिंग क्या कहता है, इन्वेस्टिगेटर पे छोड़ दिया कि इन्वेस्टिगेटर यूनिट्स को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन एप्लीकेबल है, कौन कौन एप्लीकेबल नहीं है, उनमें क्या क्या फीचर्स है, किनका सिलेक्शन होना चाहिए, किनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो जिनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए उनको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, जिनका सिलेक्शन होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है जिसके बेस पर हम रिजल्ट निकालेंगे, उनको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये सब दिमाग लगाने की बात होगी, सोचने समझने की बात हो गई, थिंकिंग स्किल की बात हो गई, तो वो डेलिबरेट सैंपलिंग का पार्ट हो गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर अपनी सूझबूझ से, अपनी समझबूझ से, अपनी थिंकिंग स्किल के थ्रू सिलेक्शन करेगा कि दीज आइटम शुड बी सिलेक्टेड एंड दीज आइटम शुड नॉट बी सिलेक्टेड। अब अलग अलग कैटेगरी बना दिया, अब जो सिलेक्टेड होने वाली आइटम है वो बहुत सारी आइटम है, अब उनमें से रैंडम सैंपलिंग के थ्रू हम सिलेक्शन करेंगे, अब इससे क्या होगा, पार्शियलिटी खत्म हो जाएगी। दूसरा फायदा क्या हुआ, इंपॉर्टेंट आइटम अब लेफ्ट भी नहीं करेगी, ठीक है। तो पार्शियलिटी जो डिमेरिट थी डेलिबरेट सैंपलिंग की, उसको रिमूव कर दिया, इंपोर्टेंट आइटम सिलेक्शन से छूट रही थी वो हमने डिमेरिट यहां पर रैंडम सैंपलिंग से निकाल दिया, हमने मिक्स सैंपलिंग मेथड यूज किया। तो मिक्स सैंपलिंग क्या कहता है, सबसे पहले स्टेप वन, डेलिबरेट हम यूज करेंगे, इसका मतलब थिंकिंग स्किल के थ्रू इन्वेस्टिगेटर यूनिट्स को आइडेंटिफाई करके उनको कैटेगराइज करेगा, ठीक है। और फिर कैटेगराइज करने के बाद जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, जिनमें से सिलेक्शन करना है, जिनमें से रिजल्ट ड्रॉ करना है, उन आइटम में से सैंपल का सिलेक्शन रैंडमली करेंगे, चाहे वो लॉटरी सिस्टम से हो और चाहे वो रैंडम नंबर के थ्रू हो, वो हम यहां पर सिस्टम अडॉप्ट करेंगे। तो ये मैंने तीन आपको सिस्टम बताए हैं, मेथड ऑफ सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, लेफ्ट सिलेक्शन ऑफ सैंपल बाय लक, लॉटरी मेथड एंड रैंडम नंबर। लॉटरी मेथड यूज स्मॉल एरिया, इजी मेथड, ठीक है, ये भी इजी मेथड है, लार्ज एरिया में यूज होगा। दोनों की मेरिट डिमेरिट मैं दो तीन बार डिस्कस कर चुका हूं अपने लेक्चर के दौरान, अपनी वीडियो के दौरान। डेलिबरेट सैंपलिंग की जो सैंपल का सिलेक्शन करना है वो इन्वेस्टिगेटर की च्वाइस पे है, और इन्वेस्टिगेटर कैसे करेगा,
फर्स्ट ऑफ ऑल ही आइडेंटिफाई दैट पर्सन आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स आइटम एंड देन आफ्टर ही विल सिलेक्ट. दोनों में अच्छी अच्छी बातें हैं, दोनों में बुरी बुरी बातें हैं, मैट डिमेरिट दोनों में है, इसलिए दोनों को कंबाइन कर लिया हमने मिक्स सैम्पलिंग के थ्रू. कि मिक्स सैम्पलिंग हमने यूज कर लिया. मिक्स सैम्पलिंग क्या कहता है, सबसे पहले डेलिबरेट सैम्पलिंग यूज करेंगे. इन्वेस्टिगेटर अपनी थिंकिंग स्किल का यूज करते हुए कैटेगराइज बनाएगा, क्लासिफिकेशन करेगा यूनिवर्स को, उनके आइटम्स को, और फिर जो क्लासिफाइड आइटम है उनमें से रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू हम सैंपल का सिलेक्शन करेंगे. ठीक है सर. तो यहां तक कि मेरी आज की वीडियो कंप्लीट हुई. मैंने तीन मेथड आपको सैंपलिंग मेथड के डिस्कस किए. आप इनको बुक्स में आप जरूर पढ़िएगा, ताकि पढ़ने से आपको डिटेल और नॉलेज जो रह गई है वो मिल जाएगी. कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. और फिर भी आप कहेंगे तो इस वीडियो को हम दोबारा और भी डिस्कस कर सकते हैं, जब कल हम तीन इसके रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे. बाकी के पार्ट जो इजी से पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट है, तो उसके साथ हम फिर एक बार रिवाइज कर देंगे. लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिले उसके लिए आप जरूर ये कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरी वीडियो जैसी अपलोड हो आपको तुरंत मिलती रहे और आपका सिलेबस कंटिन्यू बना रहे और आप अच्छे मार्क्स इकोनॉमिक्स में स्कोर करें. देखो मेरा पर्पज ये है कि इकोनॉमिक्स को इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट करना, ताकि जो फियर है स्टूडेंट्स के बीच में कि स्टूडेंट्स होते हैं यार इकोनॉमिक्स बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है, बहुत इजी से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजेदार है, पढ़ने मजा आता है. ठीक है. तो उसी पर्पज से, उसी उद्देश्य से, उसी ऑब्जेक्टिव से हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे. तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत वीडियो मिल जाए. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.